Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the use of having, all use of having. जितने भी having के इस्तेमाल किए जा सकते हैं या होते हैं वो सारे के सारे आप आज एक ही वीडियो में सीख लेने वाले हैं. इसलिए आज आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि हैविंग का सारे इस्तेमाल क्या है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, हैविंग के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा. आप एक दो चार इस्तेमाल भी जानते होंगे, बट यहाँ पर एक दो चार नहीं, मैं सारे के सारे हैविंग के होने वाले इस्तेमाल को आज बताने वाला हूँ आपके सामने. ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर और ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स. सो शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द हैविंग? हैविंग है क्या? हैविंग हैव का कंटिन्यूअस फॉर्म है, मीन्स वी फोर. हैव को हम वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर हम हैव का हैविंग यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म यानी वी फोर का इस्तेमाल कई अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के लिए करना बताएंगे हम आपको. ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो इस्तेमाल है हैविंग का, वो हम अक्सर आजकल खाने पीने और कुछ लेने या करने के लिए हम हैव का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए वहाँ पर हम हैविंग का भी इस्तेमाल करते हैं आजकल. जैसे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ इसको हम आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आजकल एडवांस इंग्लिश में लोग टेकिंग की जगह हैविंग का इस्तेमाल करने लगे हैं. तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मेरा भाई खाना खा रहा है, माई ब्रदर इज़ हैविंग लंच, या रात का खाना हो तो डिनर. राधा जूस पी रही है, राधा इज़ हैविंग जूस. मेरे पिताजी चाय पी रहे हैं, माय फादर इज़ हैविंग टी. फ्रेंड्स, यहाँ पर हैविंग की जगह टेकिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जहाँ पर पीने के लिए है वहाँ पर हम ड्रिंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर खाना है वहाँ पर हम ईटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम सिखा रहे हैं आपको हैविंग का इस्तेमाल. सो आपको हैविंग का इस्तेमाल सीखना है. अभी दूसरा है कोई काम करने के अर्थ में, यानी कि हैविंग का इस्तेमाल हम करने के अर्थ में भी करते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे राजू स्नान कर रहा है, राजू इज़ हैविंग बाथ. यहाँ पर हम राजू इज़ टेकिंग बाथ भी लिख सकते हैं या राजू इज़ बाथिंग भी लिख सकते हैं, बट हैविंग का इस्तेमाल आप सीख रहे हैं इसलिए हैविंग वाले सेंटेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है. तो राजू स्नान कर रहा है, राजू इज़ हैविंग बाथ. मैं आराम कर रहा हूँ, आई एम हैविंग सम रेस्ट. हम व्यायाम कर रहे हैं, वी आर हैविंग एक्सरसाइज. अभी फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इस्तेमाल है हैविंग का, वो हम बीमारियों को बताने के लिए भी, कि मुझे कुछ बीमारी हो रही थी वैसा कुछ बताने के लिए भी हम हैविंग का इस्तेमाल करने लगे हैं. जैसे मुझे सर्दी थी या मुझे सर्दी हो रही थी, आई वॉज़ हैविंग कोल्ड. उसे बुखार हो रहा था, ही वॉज़ हैविंग फीवर. मुझे खांसी थी या मुझे खांसी हो रही थी, आई वॉज़ हैविंग कफ. आपको गलत फहमी है या आपको गलत फहमी हो रही है, यू आर हैविंग सम मिसअंडरस्टैंडिंग. उसे परेशानी हो रही है या उसे परेशानी है, ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने अभी सेंटेंस बोले हैं, एक सारे के सारे सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, इसमें हम हैविंग न लगाकर सिर्फ हैव और हैज़ का, और पास्ट है तो हैड का भी इस्तेमाल करके हम बनाते हैं. मुझे सर्दी थी तो आई हैड कोल्ड. उसे बुखार था, ही हैड फीवर. मुझे खांसी थी, आई हैड कफ. आपको गलत फहमी है, यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग. उसे परेशानी है, ही हैज़ सम प्रॉब्लम. अभी अगला जो इस्तेमाल है, जब हमें मजबूरी में कुछ करना पड़ता है, यानी कि मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा है, वैसे में भी हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, बट उसके साथ हम टू लगाते हैं. जैसे
उसे भीख मांगना पड़ रहा है. ही इज़ हैविंग टू बेग. मुझे उसकी खुशामद करनी पड़ रही है. आई एम हैविंग टू फ्लैटर हिम. उसे बासी खाना खाना पड़ रहा है. ही इज़ हैविंग टू ईट स्लेट फूड. फ्रेंड्स, जो अगला इस्तेमाल है हैविंग का, वो है कुछ किए हुए. जैसे कुछ किए हुए समय बीत जाता है, यानी कि कोई भी काम किए हुए. जैसे मुझे दारू पिए हुए कई साल हो गए, मुझे तुम्हें देखे हुए 2 महीने हो गए, मुझे खीर खाए हुए 4 महीने हो गए, इस तरह के सेंटेंसेस. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम शुरू करते हैं. तुम्हें देखे हुए 4 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 4 ईयर्स हैविंग सीन यू. यहाँ पर हम हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्रिया का तीसरा रूप. सी का सीन होता है, इसलिए यहाँ पर हैविंग के बाद सीन लिखा है हमने. तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, उसमें हैविंग के बाद हम थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं. थिएटर में मूवी देखे 2 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 2 ईयर्स हैविंग सीन मूवी इन सिनेमा थिएटर. सिगरेट छोड़े हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं. इट हैज़ बीन 4 मंथ टू मी हैविंग गिवन अप स्मोकिंग. अभी जो अगला इस्तेमाल है हैविंग का, वो पाकर. जैसे हम बोलते हैं कि हम आपको अपने बॉस के रूप में पाकर बहुत खुश हैं, तो इस तरह के जो इंग्लिश बनाते हैं वो ऐसे बनता है, वी आर वेरी हैप्पी हैविंग यू एज आवर बॉस. मैं तुम्हें अपने दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू एज माई फ्रेंड. फ्रेंड्स, यहाँ पर हैविंग की जगह सिर्फ टू हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैं तुम्हें अपने दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू एज माई फ्रेंड. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट इस्तेमाल है, फॉर कॉन्ट्रास्ट. अगर किसी दो चीज़ों के बीच, दो सेंटेंसेस हैं उसमें, और दोनों चीज़ों के बीच अंतर या भेद बताया जाए, तो उसमें भी हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हैविंग सेड दैट, फिर भी या इसके बावजूद भी. हम हैविंग के बाद सेड दैट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद भी. मैं उसकी मदद करता रहा हूँ, फिर भी वो मुझे धोखा दे रहा है. I have been helping him, having said that he is cheating me. वो हमेशा खेलता रहता है, फिर भी वह क्लास में प्रथम आता है. He is always playing, having said that he stands first in class. यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना, having said that का मतलब ही होता है कि फिर भी या इसके बावजूद भी. वह गरीब है, फिर भी हमेशा खुश रहता है. ही इज पुअर, हैविंग सेड दैट ही इज ऑलवेज हैप्पी. फ्रेंड्स, हैविंग का जो अगला इस्तेमाल है, वो अगर किसी सेंटेंसेस में हम पोजेशन यानी कि अधिकार के बारे में बता रहे हैं. अधिकार मतलब किसी पर हमारा अधिकार या कोई चीज़ हमारे पास होने या अपने पास रखने का बोध होता है, वैसे सेंटेंसेस के लिए भी हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं. वैसे सेंटेंसेस को हम अक्सर हैव इस्तेमाल करके भी बनाते हैं, बट आजकल की एडवांस इंग्लिश में हैविंग का इस्तेमाल होने लगा है. तो देखिए इन सेंटेंसेस को. मेरे पास एक कार है. तो इसको हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई हैव अ कार बोलते हैं, इसे हम आई हैव गॉट अ कार भी बोलते हैं, और इसको हम एडवांस इंग्लिश में आई एम हैविंग अ कार भी बोलते हैं. उसे हिम्मत है, ही हैज़ करेज, ही हैज़ गॉट करेज, या ही इज़ हैविंग करेज. उन लोगों के पास बंदूकें हैं, दे हैव गन्स, दे हैव गॉट गन्स, दे आर हैविंग गन्स. उसके पास चाकू थी, ही हैड नाइफ, He had got knife. He was having knife. तुम्हारे पास पैसे थे, You had money. You had got money. You were having money. Friends, जो next इस्तेमाल है having का, वो है कोई काम करके. जैसे कि घर पहुँच कर मैंने स्नान किया. इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस में एक काम ख़त्म होने के बाद
पूर्णतः ख़त्म होने के बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं, वैसे में भी हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट ध्यान रहे कि दोनों काम यानी कि पहला काम ख़त्म हुआ और दूसरा काम शुरू हुआ, उन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतराल ज़रूर होता है। अगर अंतराल नहीं होगा यानी कि गैप नहीं होगा तो वो फिर अलग तरीके से बनेगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं बनाना। कि मैंने घर पहुंचकर स्नान किया, हैविंग रीच्ड होम आई हैड अ बाथ। पत्र टाइप करके उसे मैंने छोड़ दिया, हैविंग टाइप्ड द लेटर आई पोस्टेड इट। तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा, हैविंग मेट यू आई विल गो देयर। ये देखने के बाद मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, हैविंग सीन दिस आई कांट डेयर टू गो देयर। पापा के अनुमति लेने के बाद मैं घर से निकल गया, हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम डैड आई लेफ्ट होम। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट जो इस्तेमाल है हैविंग का, वो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए है कि हराए जाने पर या हार जाने पर वो भाग गया। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में आप कुछ फर्क देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंसेस के अपेक्षा। इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब होते हैं वो पार्टिसिपल पैसिव वॉइस के होते हैं, यानी कि ये वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में। सो यहाँ पर हैविंग के बाद बीन लगाना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, हराए जाने पर या हार जाने पर वह भाग गया, हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लीड अवे। या बीइंग डिफीटेड ही फ्लीड अवे, यहाँ पर हम हैविंग बीन की जगह सिर्फ बीइंग भी लगा सकते हैं। पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा, हैविंग बीन बीटन अप ही बिगेन टू क्राई। या बीइंग बीटन अप ही बिगेन टू क्राई, पूछे जाने पर मैंने जवाब दिया, हैविंग बीन आस्क्ड आई रिप्लाइड। या बीइंग आस्क्ड आई रिप्लाइड, पीटे जाने पर वो रोने लगा, हैविंग बीन बीटन अप ही स्टार्टेड टू क्राई। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे हैविंग का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक काम समाप्त करने के बाद अगर हम दूसरा काम शुरू करते हैं तो ऐसे सेंटेंस के लिए हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर हम ऐसे दो काम करते हैं जो एक काम के बाद दूसरा काम करते हैं कि उसमें कोई अंतराल ना हो, जैसे कि मैंने बक्सा खोल कर बंदूक बाहर निकाली, तो मैंने बक्सा खोला फिर बंदूक निकाला, बंदूक निकालने तक बक्सा खुला ही है, इसलिए वैसे सेंटेंस को हम हैविंग लगाकर नहीं बनाते। वैसे सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ओपनिंग द बॉक्स आई टुक आउट द गन। वो काम, पहला जो काम है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, वो है अभी भी, बट हम उसके बाद हम एक दूसरा काम भी कर चुके, यानी कि बक्सा खोला फिर एक बंदूक निकाली, लेकिन तब तक बॉक्स खुला ही था, इसलिए हम वहाँ पर हैविंग ओपन्ड ऐसा नहीं बोलेंगे, ओपनिंग द बॉक्स आई टुक आउट द गन। अभी जैसे दूसरा सेंटेंस है कि समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ, तो उसने समाचार सुना, मतलब कोई पत्र पढ़ रहा है या कोई समाचार सुना रहा है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वो सुन रहा है और बहुत खुश हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम पहला काम पूरा होता है और दूसरा काम शुरू होता है उसके बीच कोई अंतराल ना हो, कोई गैप ना हो, डायरेक्ट उस काम के मौजूदगी में ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तो वैसे में हम हैविंग और बी थ्री नहीं लगाते हैं, बल्कि वहाँ पर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ, हियरिंग द न्यूज़ ही बिकेम वेरी ग्लैड। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने हैविंग का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर कोई कसर बाकी रह गया हो तो आप कमेंट में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स,
आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी किया कीजिए वैसे लोगों तक जो सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।